हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन एडी स्टार क्लासेस। मैं विवेक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। रिवीजन आप उम्मीद करता हूं कि आपका रिवीजन होता होगा, आप रिवीजन जो है अपना करते होंगे, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो मेरे पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा, आप चीजों को भूलते रहेंगे। तो एक बार मैं आपसे अभी फिर से कहूंगा कि आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज ही कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे, वीडियो बाद में आएगी। फिलहाल अभी हम ज्योग्राफी के अपने भारतीय भूगोल के सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे भारत में जो प्रमुख खाड़ियां हैं। कल हमने बात की थी द्वीप के, हमने बात किया था चैनल का, आज हम बात करेंगे जो भी प्रमुख खाड़ियां हैं, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चैनल हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि कल हमने बात किया था अंडमान और निकोबार के द्वीप में 10 डिग्री का चैनल है, आज हम बात करेंगे 8.4 डिग्री का चैनल कहाँ है, 6.4 डिग्री का चैनल कहाँ, इस तरीके से जो भी चीजें हैं। आज ही हम बात करेंगे भारत की समुद्रिक सीमा के बारे में। तो फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोग के पास शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये गलत बात है, आप शेयर किया कीजिए। आप जैसे जैसे शेयर करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और उतना बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियोज को शेयर करते होंगे, लाइक करते होंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है जुलाई के महीने में। उम्मीद करता हूं कि 15 से 20 जुलाई के बीच में हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो जुलाई के अंत तक आप 1000 सब्सक्राइबर करवाइए, जिससे कि हम लाइव मिलें, आमने सामने मिल सकें, चैटिंग को देख सकें, बाकी सारी चीजें हम आपके साथ कर सकें, जैसे कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, वार्तालाप कर सकें, कोई आपके क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकें। सेशन के लिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के अपने भारतीय भूगोल की। मैप आप देख सकते हैं, मैप के बारे में आपको सारी चीजें लगभग पता चल गई होंगी, इतना मैंने आपको बता दिया है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख खाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, खाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में हम बात करेंगे चैनल्स की और साथ ही साथ हम बात करेंगे सामुद्रिक सीमा की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खाड़ियों की। तो प्रमुख खाड़ियां, आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रमुख खाड़ियां। सबसे पहले बात करते हैं खंबात की खाड़ी के बारे में। सबसे पहली बात हम करेंगे खंबात की खाड़ी के बारे में, या इसके ऊपर से बात करते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी के बारे में मैंने कल आपको थोड़ी सी बातें बताई थी, आज मैं थोड़ा सा डीप जाके बताऊंगा कच्छ की खाड़ी कहां पर है। तो आपको पता होना चाहिए मैप में कि ये लगभग यहां पर है, ये अभी भी बना हुआ है, ये लगभग यहां पर है, ठीक है। राजस्थान और गुजरात, इन दोनों राज्यों में कच्छ की खाड़ी का विस्तार है, लेकिन कच्छ मुख्य रूप से राजस्थान में लिखा जाता है, अधिकतर क्षेत्र इसका गुजरात में भी पड़ता है। सबसे पहली बात आप लिखोगे, आपको डालना है कि कच्छ की खाड़ी में क्या डालना है कि ये गुजरात में कच्छ जिले में, गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है कच्छ, गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है कच्छ, कच्छ के जिले में कच्छ की खाड़ी का विस्तार है। आखिर ये है क्या, कच्छ की खाड़ी क्या है, तो मैं आपको बता दूं, कच्छ की खाड़ी एक दलदला हुआ क्षेत्र है, एक
दलदली क्षेत्र है। दलदली मतलब जहां पर समुद्र का पानी अंदर घुस आता है, जो स्थलीय भूमि है समुद्र का पानी वहां चला आता है। और जब समुद्र का पानी स्थलीय भूमि पर आता है वापस नहीं जा पाता और उसको सूखने में काफी समय लगता है, जिस वजह से वो क्षेत्र काफी दलदली नुमा हो जाता है। कच्छ का जो भी क्षेत्र है वो काफी दलदली नुमा है और दलदली नुमा होने की वजह से काफी जहरीले जानवर यहां दिखाई पड़ते हैं। कच्छ की खाड़ी में काफी जहरीले जानवर दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह एक दलदली क्षेत्र है, आपको याद रखना होगा। कहां पर है ये? तो ये गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। लूनी नदी का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। लूनी नदी ठीक है, जो कि राजस्थान से बहते हुए आती है और कच्छ की खाड़ी में समा जाती है। लूनी नदी, कोई भी नदी आती है, जब मान लीजिए कोई नदी है, वो नदी आ रही है और जब नदी कहीं समा जाएगी तो वो क्षेत्र भी दलदली नुमा हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं आपको कच्छ की खाड़ी समझ में आ गई होगी। कच्छ की खाड़ी के बारे में क्या फैक्ट है? गुजरात के कच्छ जिले में है, दलदली नुमा है, समुद्र का पानी अंदर तक चला आता है और इसी वजह से, दलदली नुमा होने की वजह से यहां पर जहरीले जानवर दिखाई पड़ते हैं। क्या हुआ? जहरीले जानवर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अगली खाड़ी की बात करते हैं। अगली खाड़ी है हमारी खंबात की खाड़ी। चलिए दूसरे नंबर की खाड़ी की बात करेंगे। खंबात की, ये कहां है? तो ये भी गुजरात के पास पड़ता है। यहां पर दो नदियों का मुहाना है। यहां खंबात की खाड़ी में पहला है नर्मदा और दूसरा है तापी। तापी को हम ताप्ती भी कहते हैं, तापी को हम ताप्ती भी कहते हैं। ठीक है, पहली नदी इधर से नर्मदा, दूसरी नदी तापी। इन दोनों नदियों के बारे में एक तथ्य आपको याद रखना है। क्या फैक्ट है इन दोनों नदियों के बारे में? कि नर्मदा और तापी भारत की दो ऐसी नदियां जो कि विपरीत दिशा में बहती हैं। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में बहती हैं। और ये दो नदियां विपरीत दिशा में बहते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। गुजरात के खंबात की खाड़ी में अरब सागर में नर्मदा और तापी विपरीत दिशा में बहते हुए मध्य प्रदेश से निकल करके अपना मुहाना बनाती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? आगे बढ़ते हैं, देरी नहीं करेंगे। अगली बात करते हैं नीचे मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी के बारे में क्या फैक्ट है? राम सेतु आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये मैप थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, राम सेतु के दक्षिण में, कहां पर? राम सेतु के दक्षिण में भारत और श्रीलंका के बीच, राम सेतु के दक्षिण में भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ये चीजें आप लिखते रहेंगे, जो मैं बोल रहा हूं वो चीजें आपको लिखनी है। मैं आपको सारी चीजें नहीं लिखवाऊंगा, जो मैं आपसे बातचीत करूंगा वो चीज आपको लिखना है।
भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी राम सेतु के दक्षिण में स्थित है। और दूसरा फैक्ट इसी में, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, कहां पर, ये तमिलनाडु में स्थित है। इसी के बगल में है पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट करेंगे आप पाक जल डमरू, अब ये क्या है, तो पाक जल डमरू मध्य किसको कहते हैं हम, समुद्र का वो सकरा क्षेत्र जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। कंफ्यूज नहीं होना, भारत एवं श्रीलंका के मध्य वो सकरा मार्ग, समुद्र का वो सकरा मार्ग जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी दोनों को जोड़ता है, इसे ही हम कहते हैं पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। इसके साथ ही आपको याद रखना है ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को भी जोड़ता है, बंगाल की खाड़ी पर इसकी प्लस अरब सागर को भी जोड़ने का कार्य करता है, इसे हम कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। अगली बात करते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। पहली चीजें आप समझिए खाड़ी क्या होती है, ऐसा समुद्र का या ऐसा समुद्रीय क्षेत्र जो तीन तरफ से भूमि से या स्थलीय क्षेत्र से घिरा हो, तीन तरफ से स्थलीय क्षेत्र से घिरा हुआ समुद्र का भाग ही खाड़ी कहलाता है। आप देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप इसको, ठीक है, खाड़ी तीन तरफ से भूभाग से घिरा हुआ समुद्र का क्षेत्र खाड़ी कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी भारत, बांग्लादेश और पूरब में इंडोनेशिया से घिरा हुआ है, इंडोनेशिया से घिरा हुआ है और इसी वजह से हम इसको खाड़ी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की जगह पर आप दक्षिण एशिया कहें तो काफी बेहतर होगा, अगर आप दक्षिण एशिया कहें, दक्षिण एशिया तो काफी सुटेबल होगा, ठीक है। इसी के साथ में एक और पढ़ लेते हैं, शर क्रीक विवाद, ये क्या है, शर क्रीक, शर क्रीक विवाद, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में कच्छ की रण का विवाद है, ठीक है। ये एक दलदली क्षेत्र है और ये 96 किलोमीटर का विवाद है। सरकीक विवाद किस किस के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है, कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र का ये विवाद है, कच्छ के रण का जो दलदली क्षेत्र है उसी का ये विवाद है और ये 96 किलोमीटर का विवाद है जिसे हम सर क्रीक विवाद कहते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं चैनल की, तीन चैनल आपको याद रखने हैं। पहला चैनल होगा, बात करेंगे क्या होता है चैनल, कल मैंने आपको बताया था चैनल दो द्वीपों के मध्य का जो भाग होता है, दो द्वीपों के बीच का जो सकरा भाग होता है उसे हम कहते हैं चैनल। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल
मैंने आपको यहां बताया था कल मीनिकाय, मीनिकाय के नीचे एक द्वीप है मालदीव। तो मालदीव और मीनिकाय आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है, ज्यादा नहीं जाना है। मालदीव और मीनिकाय के बीच 8 डिग्री का चैनल है। मीनिकाय और आपको अंदाजा होना चाहिए क्या होगा मीनिकाय के साथ में, लक्षद्वीप। बहुत बढ़िया शिवम। मीनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री का चैनल है और 10 डिग्री के चैनल के बारे में कल मैंने आपको बताया था। अंडमान प्लस निकोबार 10 डिग्री के चैनल के बीच में स्थित है और इसमें क्या क्या है, नीचे वाला सबसे क्या था, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार, निकोबार के दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अंडमान और निकोबार के द्वीप को एक नाम और देते हैं जिसको हम मरकत द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकत द्वीप। किसको कहते हैं, अंडमान और निकोबार के बीच के द्वीप को हम मरकत द्वीप कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के सामुद्रिक क्षेत्रों के बारे में। सामुद्रिक क्षेत्र में आपको 2 से 3 बातें याद रखनी हैं। सामुद्रिक सीमा, ठीक है। तो आप प्रत्येक देखिए, मैं इंग डाल देता हूं। आपको एक बात बताऊंगा, सामुद्रिक सीमा में 1982 में एक समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1982 में विश्व भर के देशों में एक समझौता हुआ था और समझौता ये था कि समुद्र के किनारे जितने भी देश स्थित हैं उनका समुद्र में कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। कब हुआ था, 1982 में हुआ था और इसको कहते हैं UNCLOS, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। मैं लिख देता हूं, इसका पूरा फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत ये समझौता किया गया था कि समुद्र के किनारे जो भी देश हैं उनका समुद्र में कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। कब हुआ था, 1982 में। इसको हिंदी में कहते हैं समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि। भारत की 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई। पहला किया गया जिसको कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या कहते हैं, आप लिखना, आपको मैं बोल रहा हूं, प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक
समुद्री सीमा। इसका विस्तार समुद्र के स्थलीय या भूभाग से लेकर के समुद्र में 12 समुद्री मील तक होती है। कितना? 12 समुद्री मील। आपको बस इतनी ही बातें याद रखनी है। और यहां तक क्या होता है, यहां तक देश का या भारत का भी यहां तक संपूर्ण अधिकार है। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र में आधार रेखा से 24 नॉटिकल, 24 नॉटिकल मील तक का अधिकार होता है। और यहां तीन अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला होता है सफाई का अधिकार, पहला सफाई का अधिकार। दूसरा होता है सीमा शुल्क का वसूलीकरण। और तीसरा होता है वित्तीय अधिकार। दूसरा होता है संलग्न क्षेत्र, इसको हम अपिछिन्न मंडल भी कहते हैं। 24 नॉटिकल मील तक इसका अधिकार होता है आधार बिंदु से। पहला इसमें क्या है प्रमुख, सफाई कर सकते हो, सीमा शुल्क वसूल सकते हो और वित्तीय अधिकार पर आपका अधिकार होता है। तीसरा इसका भाग है ईईजेड। ईईजेड को हिंदी में कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये तीसरा है, इकोनॉमिकल जोन है। ये 200 नॉटिकल मील तक होता है। कितना? 200 नॉटिकल मील तक इसमें अधिकार देश का होता है। इसमें भी तीन चीजें होती हैं। पहला, संसाधनों का, जो संसाधन होते हैं समुद्र में उनके दहन पर आपका अधिकार होता है। दूसरी बात इसमें है कि नए द्वीपों का अगर निर्माण समुद्र में हो रहा है तो उस पर भी आपका अधिकार होता है। और तीसरा इसमें होता है कि जो आपके देश के वैज्ञानिक होते हैं वो परीक्षण कर सकते हैं, यानी वैज्ञानिक परीक्षण का अधिकार होता है। तीन क्षेत्र हो गए। कौन कौन से हुआ? पहला मैंने आपको बोला, पहला होता है, पहला क्या होता है, प्रादेशिक समुद्री सीमा। दूसरा होता है संलग्न क्षेत्र। तीसरा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। आज की अपनी सेशन को यहीं खत्म करते हैं, लंबा नहीं ले जाएंगे, थोड़ा छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों को अब भी बताइए, शेयर कीजिए। टारगेट हमारा अभी 1000 सब्सक्राइबर, ये हमारा अभी का लक्ष्य है। साथ ही साथ जो भी क्लासेज आ रही उनको आप देखते रहिएगा और रिविजन करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लाइक से सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू।